हेलो क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लम्बिंग सर्विसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग सबसे पहले प्लम्बिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिस्टम हम लोग के सिलेबस में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हमको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा प्लम्बिंग सिस्टम एंड बिल्डिंग एंड हाउसेस, वायर कनेक्शन, प्लम्बिंग सिस्टम बिल्डिंग या हाउस में कैसे करते हैं, वाटर कनेक्शन कैसे करते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज के लिए, जो प्लम्बर प्लम्बिंग सिस्टम जो बताते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्लम्बिंग सिस्टम दो होते हैं, एक जो क्लीन वाटर बिल्डिंग में पहुंचाते हैं, ठीक है, और दूसरे प्लम्बिंग सिस्टम ड्रेनेज के लिए, जो वेस्ट वाटर या गंदा पानी बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं। पाइप्स एंड ट्रैप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप्स के बारे में पढ़ेंगे, सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग और मटेरियल। तो अभी हम लोग इन टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। वाटर सप्लाई सिस्टम इन अ बिल्डिंग और हाउसेस इज नोन एज प्लम्बिंग, एंड द एंटायर सिस्टम ऑफ पाइपिंग फिक्सचर एप्लायंसेस एक्सेट्रा यूज इज प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन बिल्डिंग इज देयर फॉर कॉल्ड एज प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मेथड है एक्सेसरीज का फिट करना, ठीक है, ताकि बिल्डिंग में प्रॉपर वाटर सप्लाई हो सके, इसको बोलते हैं प्लम्बिंग। ठीक है, आप इसको करते कैसे कैसे हैं, पाइप को फिक्स करना, उनके एप्लीकेशंस को फिक्स करना और वाटर सप्लाई और ड्रेनेज को बिल्डिंग में पहुंचाना, ये होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, अब एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे टोटी हो गया, ठीक है, वाटर क्लोसेट हो गया, सिस्टर्न हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्डिंग में सेट करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं वाटर कनेक्शन। वाटर कनेक्शन क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर कनेक्शन क्या होता है। वाटर कनेक्शन होता है, कनेक्शन में सबसे पहले क्या है, द डोमेस्टिक वाटर कनेक्टेड कनेक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल वाटर मेन, बिकॉज द सप्लाई वाटर सप्लाई टू योर हाउस और बिल्डिंग कैन स्टार्ट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब म्युनिसिपल वाटर मेन सप्लाई से जो हम कनेक्शन लेते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाटर कनेक्शन। किसी बिल्डिंग या किसी हाउस में अगर डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन लेते हैं म्यूनसिपल मेन वाटर से, तो इसी को बोलते हैं वाटर कनेक्शन। फिर एक एग्जांपल दिया गया है नीचे, उसको हम लोग अभी तुरंत देखते हैं। टिपिकल वाटर कनेक्शन कनेक्टिंग द सर्विसेज पाइप विद द म्यूनसिपल वाटर मेन, ठीक है, ये 227.1 में ये फिगर में शो किया गया है, जिसको हम लोग अभी तुरंत देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है कि ये स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट एक है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, इसी के नीचे रोड के नीचे मेन पाइप गया है म्यूनसिपैलिटी का। ठीक है, अब इसी से एक कनेक्शन दिया गया है ब्रांच पाइप का, स्ट्रीट के नीचे एक कनेक्टिंग स्ट्रीट है जो मेन रोड से कनेक्ट होता है, उसी के नीचे एक ब्रांच पाइप दिया गया है। इस ब्रांच पाइप में एक फ्यूरल होता है, ठीक है, जिससे वाटर का पाइप जो है वो कनेक्ट करते हैं, एक स्टॉप कॉक होता है जो बिल्डिंग के जस्ट पहले लगाया जाता है, बिल्डिंग के एंट्री होने से पहले, और इसमें एक रिजर्वायर होता है जिसमें हम लोग वाटर स्टोर करते हैं और इस बिल्डिंग में सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक लेआउट है म्यूनसिपल सप्लाई का, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई का। क्या है कि मेन रोड के नीचे एक बड़ा पाइप होता है जो मेन पाइप बोलते हैं,
उससे कनेक्टेड स्ट्रीट होता है, उस स्ट्रीट के नीचे ब्रांच पाइप होती है, उस ब्रांच पाइप से बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम उसमें फेरुल और स्टॉप कॉक लगाते हैं, ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद वाटर को रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, फिर बिल्डिंग में यूज़ करते हैं जब हमको ज़रूरत होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। ठीक है, अच्छा, अब जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो जो एक्सेसरीज हम यूज़ करते हैं, उसके डेफिनेशन देखते हैं कि क्या उसके डेफिनेशन है और उसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, उनके डेफिनेशन क्या है और उनके क्या क्या यूज़ हैं ताकि उसको बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द वाटर कनेक्शन रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉक पाइप फिटिंग्स फॉर द प्लम्बिंग वर्क इन अ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में काम करने के लिए डिफरेंट टाइप के कॉक कनेक्शन और पाइप फिटिंग चाहिए होता है प्लम्बिंग वर्क को करने के लिए। ठीक है, उसमें से सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं फेरुल। फेरुल का ये फिगर है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि फेरुल का डेफिनेशन क्या है। फेरुल इज अ डिवाइस बाय विच वाटर कनेक्शन इज गिवन टू द कंज्यूमर। ये एक डिवाइस है जिससे क्या होता है कि वाटर कनेक्शन जो है वो कंज्यूमर को दिया जाता है। फिर इट इज कनेक्टेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एंड सर्विस कनेक्शन। ये किस में दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन पाइप और सर्विस कनेक्शन के बीच में दिया जाता है। इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है? वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल करता है कि कितना वाटर सप्लाई जो है कंज्यूमर को गया। वन एंड ऑफ द फ्यूल इज कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप बाय मेकिंग ए होल एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सर्विस कनेक्शन पाइप विद द हेल्प ऑफ एल्बो। ठीक है, फेरुल का एक पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से कनेक्ट होता है एक होल के थ्रू। ठीक है, क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जिससे हमको पाइप कनेक्ट करना होता है उसमें होल करते हैं और फेरुल का एक एंड जो है वो उसमें कनेक्ट कर देते हैं उस होल के लिए। फिर उसके बाद उसका दूसरा एंड जो है वो एल्बो के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और उसको अपने बिल्डिंग में ले जाते हैं। ठीक, द अदर एंड कनेक्टेड टू सर्विस पाइप, सर्विस कनेक्शन करते हैं। ठीक है, सर्विस कनेक्शन पाइप विद द हेल्प ऑफ एल्बो, एल्बो के मदद से हम सर्विस कनेक्शन पाइप में इसको कनेक्ट करते हैं दूसरा। ठीक है, अभी हम इसको फिगर इसका फिगर देखेंगे। ये फेरुल का फिगर। ठीक है, इस फेरुल का जो एक एंड है वो कनेक्शन पाइप से जो स्ट्रीट के नीचे है वो म्यूनसिपल पाइप से कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड जो है वो सर्विस कनेक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, इनके बीच में इस तरीके से कनेक्शन दिया जाता है ताकि ये एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन होने की वजह से इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस रोड के ऊपर लोड आ जाए या ट्रैफिक मूवमेंट से इसके बीच में कोई भी क्रैक भी डिफेक्ट ना है। ठीक है, इसके वजह से हम लोग इसमें फ्लेक्सिबल कनेक्शन देते हैं। ठीक है, अब वो फ्लेक्सिबल कनेक्शन देने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि फेरुल कनेक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में ये कनेक्शन दिया गया है। एक एंड जो है फिर उनके एक एंड ये कनेक्शन है और दूसरा एंड जो है वो सर्विस पाइप में कनेक्ट किया गया है इस एल्बो के थ्रू। इस एल्बो के थ्रू सर्विस कनेक्शन पाइप दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक वॉल्व भी दिया गया है और क्या दिया गया है, हैंडल भी दिया गया। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि इसको वाटर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से कनेक्ट हुआ है एक एंड, और दूसरा एंड जो है वो सर्विस कनेक्शन है, ठीक है। और लोग आगे देखते हैं सर्विस पाइप, ठीक है, सर्विस पाइप देखते हैं, सर्विस पाइप क्या है। सर्विस पाइप इज ए गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ साइज लेस देन 50 mm डायर, ठीक है। ये एक गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप होता है जिसका डायमीटर 50 mm से कम होता है, यानी 5 cm से कम होता है। इट शुड बी लेड अंडरग्राउंड इन द ट्रेंच इन विच नो सीवर और नो ड्रेनेज पाइप इज लेड, ठीक है। ये इसको एक ट्रेंच में लगाया जाता है जिस पे कोई भी सीवेज पाइप या ड्रेनेज पाइप नहीं जाता है, ठीक है। इस ट्रेंच में सिर्फ एक ही पाइप जाता है, वो है सर्विस पाइप, इस पे कोई और पाइप दूसरा पाइप नहीं जाता है, ठीक है। द सर्विस पाइप विच सप्लाई वाटर टू द बिल्डिंग थ्रू द म्यूनसिपल मेन इज दस कनेक्टेड टू द मेन थ्रू द भूसलेक एंड फैलो, ठीक है। अब ये सर्विस पाइप जो है वो वाटर सप्लाई के थ्रू बिल्डिंग से कनेक्टेड होता है। द सर्विस पाइप विच सप्लाई वाटर टू द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को वाटर सप्लाई करता है म्यूनसिपल मेन, ठीक है, जो म्यूनसिपल से कनेक्टेड होता है, दस कनेक्टेड टू द मेन थ्रू द गूसनेक एंड फेरो, ठीक है। अब ये सर्विस पाइप जो है वो किस पाइप से कनेक्टेड, मेन पाइप से किस मीडियम से कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं गूसनेक और फेरुल। फेरुल हम लोग आगे पढ़े हैं, ठीक है। फेरुल और गूसनेक के मदद से ये पाइप जो है वो मेन म्यूनसिपल पाइप से कनेक्ट होता है। फिर क्या है गूसनेक, अब गूसनेक के बारे में पढ़ते हैं। गूसनेक क्या है, गूसनेक क्या है, गूसनेक इज ए स्मॉल साइज कर्व्ड पाइप मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड इज अबाउट 75 cm लेंथ, फॉर्मिंग ए फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन द मेन पाइप एंड द सर्विस पाइप, ठीक है। जो कनेक्शन हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन की बात कर रहे थे वो गूसनेक के थ्रू होता है, ठीक है। ये एक स्मॉल कर्व पाइप होता है जो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनता है, जिसकी लेंथ जो है वो 75 cm तक होती है। ये एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है मेन वाटर में, ठीक है, मेन वाटर पाइप में, मेन और सर्विस पाइप में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टॉप कॉक, ठीक है। स्टॉप कॉक का क्या होता है काम, कि वो वाटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, वाटर रेगुलेशन के लिए इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो स्टॉप कॉक क्या है, द स्टॉप कॉक प्रैक्टिकली स्लाइस वॉल्व ऑफ ए स्मॉल साइज, ठीक है। ये प्रैक्टिकली एक स्लाइस वॉल्व होता है स्मॉल साइज का, ठीक। दे आर प्रोवाइडेड ऑन द पाइप लाइन leading to wash basin, water tank, flushing tank, etc. to stop or open the water flow, open the flow of water when necessary, ठीक है। ये प्रैक्टिकली एक स्लाइस वॉल्व होता है स्मॉल साइज का। ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, पाइप लाइन में जो वाटर बेसिन, वाटर टैंक और फ्लशिंग टैंक की तरफ जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ताकि हम वाटर के फ्लो को स्टॉप कर सकें या खोल सकें, ओपन कर सकें या क्लोज कर सकें जब हमको ज़रूरत हो, ठीक है। ये किस चीज़ से बनता है, ब्रास और गन मेटल से, ठीक है, ये ब्रास या गन मेटल से ये बनता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बिबकॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिबकॉक, बिबकॉक क्या है, बिबकॉक आर स्मॉल साइज वाटर ट्रैप, ठीक है। बिबकॉक जो है वो एक स्मॉल साइज वाटर ट्रैप है, ठीक है, विच आर फिक्स ऑन द पाइप लाइन इन वॉश बेसिन, ठीक है। जो हम क्या करते हैं कि पाइप पे फिक्स करते हैं, ठीक है, वॉश बेसिन के पाइप पे फिक्स करते हैं, बाथरूम में फिक्स करते हैं, किचन में फिक्स करते हैं, फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर ऑब्टेन वाटर, जहाँ से कंज्यूमर वाटर लेता है, ठीक है। इट इज़ ऑपरेटेड बाई हैंडल, ये हैंडल से ऑपरेटर होता है, इसी को हम लोग लोकल भाषा में क्या कहते हैं, टोटी, ठीक है, टोटी लगाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर कंज्यूमर लेता है या हम लोग लेते हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कई जगह लगाया जाता है, जैसे वॉश बेसिन में, बाथरूम में, किचन में, ठीक है, ऐसे कई जगह लगाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, जहाँ से कंज्यूमर या हम लोग
डायरेक्ट वाटर जो है वो ऑप्टेन करते हैं, इसी को बोलते हैं बिबको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द स्टेम ऑफ द हैंडल इज थ्रेटन। ठीक है, जो हैंडल होता है उसमें धारी बनाई जाती है जिसके वजह से ही वो अप एंड डाउन मोशन से ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, द स्टेम ऑफ द हैंडल इज थ्रेटन, उसमें धारी बनाया जाता है, सो दैट द वॉल कैन मूव अप एंड डाउन बाई टर्निंग द हैंडल, जिसकी वजह से जब हम उसको ओपन या क्लोज करते हैं तो उस थ्रेट के माध्यम से वो अप एंड डाउन मोशन करता है और हम वाटर को रेगुलेट कर पाते हैं। द क्लॉक वाइज टर्निंग ऑफ द हैंडल स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर एंड एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक टर्निंग ओपन द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, अगर क्लॉक वाइज उसका मूवमेंट करते हैं तो वाटर फ्लो क्लोज होता है, और एंटी क्लॉक वाइज अगर मोशन करते हैं उसका तो वाटर का फ्लो आता है। ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है, ब्रास, गन मेटल या प्लास्टिक से। ठीक है, ये या तो ब्रास से बना होता है, या तो गन मेटल से बना होता है, या फिर प्लास्टिक से बना होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या स्लाइस वॉल और गेट वॉल। ठीक है, स्लाइस वॉल और गेट वॉल का काम क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, ऑल्सो नोन एज सेट ऑफ वॉल और स्टॉप वॉल। ठीक है, इसको सेट ऑफ वॉल और स्टॉप वॉल भी बोलते हैं। दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू सेट ऑफ द सप्लाईज व्हेनेवर डिजायर्ड। ठीक है, ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमको जब ज़रूरत हो हम वाटर को सट ऑफ कर सकें। ठीक है, उसको बंद कर सकें। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन इंटू सुटेबल सेक्शन। ठीक है, ये और भी ये इसका यूज़ जो है वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी होता है। ठीक है, ताकि हम मेन वाटर से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, द स्पेसिंग ऑफ स्लाइस सच वॉल मे बी बिटवीन 150 to 300 meters। ठीक है, अब दो स्लाइस व्हील की वॉल के बीच में जो स्पेसिंग हो वो मिनिमम 300 meters के बीच में हो, 150 to 300 meters के बीच में। दे पोसेस द एडवांटेज ओवर द अदर टाइप ऑफ वॉल ऑफ कंबाइनिंग रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड ऑफरिंग ऑलमोस्ट नो रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन द वॉल इज वाइड ओपन। ठीक है, अच्छा, ये इसके कुछ एडवांटेज हैं इस वॉल के, दूसरे टाइप के वॉल के मुकाबले इसके कुछ एडवांटेज हैं। वो क्या क्या हैं कि ये लो कॉस्ट है। ठीक है, और जब इसको फुल्ली ओपन कर देते हैं तो वाटर के में ये ज़ीरो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब वॉल को पूरा ओपन कर देते हैं तो वाटर के फ्लो में ये कोई रेसिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, ये फ्री फ्लो, वाटर का फ्री फ्लो कराता है। ठीक है, फिर आगे हम और देखते हैं इसमें, ये है स्लाइस वॉल का फिगर। ठीक है, स्लाइस वॉल में एक वेज है। ठीक है, जब हम इसको हैंडल को रोटेट करते हैं तो इस थ्रेड के मीडियम से ये वेज जो है वो अप एंड डाउन मोशन करता है, स्पिंडल में अप एंड डाउन मोशन करता है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा थ्रेड के हैंडल के माध्यम से हैंडल को ओपन करें और ये पूरा ऊपर तक चला गया तो वाटर का फ्लो जो है वो ज़ीरो रेसिस्टेंस से फ्लो होता है। ठीक है, कोई रेसिस्टेंस इसमें फ्लो नहीं, कोई रेसिस्टेंस वाटर के फ्लो में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद गेट वॉल। ठीक है, गेट वॉल कॉमनली यूज इन वाटर वर्क और मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड विथ ब्रास माउंटेन। ठीक है, ये वाटर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन से बना होता है जिसके ऊपर ब्रास माउंटेन की गई होती है। ठीक है, दे आर आइदर ऑफ सॉलिड वेज टाइप और डबल डिस्क टाइप। ठीक है, ये या तो सॉलिड वेज टाइप होता है और डबल डिस्क टाइप होता है। डबल डिस्क का एक एडवांटेज है कि वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, वो कुछ सेल्फ एडजस्टिंग अपने आप करता है। ठीक है, द डिस्क आर स्लाइटली
self adjusting so that they will wedge themselves between the preferences. ठीक है, अब इस क्या होता है कि ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये अपने टेपर्ड सीट में एडजस्ट हो जाता है। सर सॉकेट दो तरीके का होता है, एक प्लेन सॉकेट और दूसरा रिड्यूसिंग सॉकेट। ठीक है, अगर प्लेन सॉकेट है तो वो दो सिमिलर डायमीटर के पाइप को कनेक्ट करता है, और अगर रिड्यूसिंग सॉकेट है तो वो दो अलग अलग डायमीटर के पाइप को कनेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ ए गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, ये गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप होता है जिसका डायमीटर अलग अलग हो सकता है। सॉकेट में भी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, प्लेन सॉकेट और रिड्यूसिंग सॉकेट। ठीक है, द प्लेन सॉकेट इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है, ये सॉकेट जो है वो दो सिमिलर डायमीटर को जो कनेक्ट करे उसको प्लेन सॉकेट बोलते हैं। फिर द रिड्यूसिंग सॉकेट इज यूज टू कनेक्ट द टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, अब रिड्यूसिंग सॉकेट क्या करता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट पाइप को कनेक्ट करता है जिसका डायमीटर अलग है। ठीक है, दो अलग अलग डायमीटर के पाइप को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब है निप्पल। निप्पल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है ये। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, ये डिफरेंट डायमीटर का बना होता है गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप से। निप्पल में भी ऑफ टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग दो। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। द लेंथ ऑफ द शॉर्ट निप्पल इज 25 mm। ठीक है, जो शॉर्ट निप्पल होता है उसका लेंथ जो है वो 25 mm तक होता है। एंड इट इज यूज फॉर फिक्सिंग द बिग कॉक और एट सम अदर नेसेसरी पॉइंट। ठीक है, अब ये निप्पल जो है वो या तो बिग कॉक को कनेक्ट करने के लिए होता है या ऐसे ही किसी दूसरे सिमिलर पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है जो नेसेसरी पॉइंट है। ठीक है, फिर द नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग निप्पल पाइप इज 150 to 225 mm। ठीक है, और 300 mm। ठीक है, तो जो लॉन्ग लेंथ ऑफ लॉन्ग निप्पल है, जो लॉन्ग लेंथ का निप्पल है वो 150 mm, 225 mm या 300 mm हो सकता है। ठीक, एंड ऑफ डिफरेंट डायमीटर, दूसरे दूसरे डायमीटर का डायमीटर भी चेंज हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइप व्हेन नेसेसरी। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है कि पाइप को थोड़ी दूर तक एक्सटेंड किया जाए जब जितना नेसेसरी हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूनियन। ठीक है, यूनियन इट मे बी ऑफ ब्रास और मे बी मेड अप ऑफ ब्रास और कास्ट आयरन। ठीक है, या तो ये कास्ट आयरन से बना होगा या तो ब्रास से बना होगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू टाइप्स ऑफ सिमिलर डायमीटर। ठीक है, ये कनेक्ट दो डायमीटर को कनेक्ट करने के लिए होता है जो सिमिलर डायमीटर को दे। ठीक है, दैट द पाइप लाइन ऑफ ओपन बी ओपन ईजली फॉर द पर्पज ऑफ वॉशिंग और फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क। ठीक है, क्या है ये, या तो ब्रास से बना होता है या तो कास्ट आयरन से बना होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, ये दो डायमीटर, दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका डायमीटर जो है वो सेम होता है। ठीक है, और सो दैट द पाइप में बी ओपन ईजिली। ठीक है, ताकि पाइप को आसानी से खोला जा सके उसको वॉश करने के लिए या रिपेयर वर्क करने के लिए। ठीक है, या तो उसको वॉश करने के लिए या तो रिपेयर वर्क करने के लिए इसको ओपन किया जा सकता है। ये है एल्बो और ये है टी। ठीक है, ये पाइप कनेक्शन है। ठीक है, ये अलग अलग तरह का पाइप का कनेक्शन है जिससे हम पाइप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल से कनेक्ट करते हैं। एक वर्टिकल पाइप और एक हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्ट होता है और इसमें एक वर्टिकल लाइन जा रहा है उसमें एक हॉरिजॉन्टल कनेक्शन देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है फिर इसमें आगे हम लोग देखते हैं।
तो इसमें हम देखते हैं ठीक है एल्बो जो हम लोग पढ़े हैं अभी इन फिगर देखे हैं उसके बारे में 15 मिनट ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ एल शेप ठीक है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप से बना होता है और एल शेप का होता है इट इज यूज्ड एट द पॉइंट वेयर टू पाइप्स आर टू बी जॉइंट इन राइट एंगल ठीक है ये कहाँ यूज किया जाता है जो जहाँ पे हमको पाइप के बीच में 90 डिग्री का कनेक्शन देना हो ठीक है 90 डिग्री का कनेक्शन देना हो उसी वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं और उसको एल्बो कहते हैं ठीक फिर नेक्स्ट है टी ठीक इट इज़ मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इन द शेप ऑफ टी ठीक है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप से बना होता है और ये टी शेप का होता है जो भी हम लोग देखे हैं इट इज़ यूज एट द पॉइंट वेयर ए वर्टिकल पाइप लाइन इज टू बी टेकन फ्रॉम ए हॉरिजेंटल लाइन ठीक है जिसमें क्या होता है एक हॉरिजेंटल लाइन जा रहा हो और उसमें एक वर्टिकल पाइप को कनेक्ट करना है ठीक है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक टी प्रोवाइड कराते हैं ठीक है ये एक तरीके का कनेक्शन है तो इसको हम लोग टी बोलते हैं ठीक फिर वाटर मीटर ठीक है वाटर मीटर क्या है ये बताता है कि कितना वाटर कंज्यूम हुआ है किसी भी बिल्डिंग में ठीक इट इज़ अ डिवाइस बाय विच द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज मेजर्ड इज नोन एज वाटर मीटर ठीक है ये एक तरीके का डिवाइस है जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर पाइप से कितना वाटर कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो हुआ है ठीक है इट हेल्प्स डायरेक्टली टू कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम द रीडिंग ऑन द मीटर ठीक है ये डायरेक्टली कंप्यूट करता है ये डायरेक्टली कैलकुलेट करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूमर यूज़ किया है ठीक है डायरेक्ट मीटर से हम देख के बता सकते हैं कि कितना यूनिट जो है वाटर जो है वो कंज्यूमर कंज्यूम किया है जिससे उसका वाटर का बिल आता है ठीक है फिर इसके बाद क्या है द वाटर टैक्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंज्यूम ठीक है अब वाटर टैक्स उसको भरना पड़ता है जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर वो कंज्यूम किया है अब ये दो तरीके से होता है ठीक वाटर मीटर जो है वो दो तरीके से होता है एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइप और एक होता है वेलोसिटी टाइप ठीक है इसको हम लोग आगे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइप कैसा है और वेलोसिटी टाइप कैसा है ठीक है ये है हम लोग का वाटर मीटर का डायग्राम ठीक है ये वाटर मीटर का डायग्राम है ठीक है इसमें क्या है कि एक तरफ से वाटर का फ्लो होता है तो क्या होता है फ्लो जैसे ही इसमें एंटर करता है तो इसको ये रोटेट करता है ठीक है अब इस रोटेशन को ही रोटेशन के बाद ही वाटर आउट फ्लो होता है तो इस रोटेशन को ही ये कैलकुलेट करता है यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि ये है वाटर का इनफ्लो और ये आउटफ्लो तो जब इनफ्लो से आउटफ्लो जाता है तो वो क्या होता है कि इस रोटेटर से होके जाता है अब ये रोटेटर जैसे जैसे रोटेट करता है जितना ये रोटेट करेगा उसी हिसाब से इस पे मीटर की रीडिंग पे मीटर आएगा ठीक है तो इसी अमाउंट से कंज्यूमर को चार्ज करना होता है ठीक फिर नेक्स्ट है वाटर बेसिन ठीक है वाटर बेसिन क्या होता है इट इज़ मेड ऑफ प्रोक्लेम इन वेरियस टाइप ऑफ शेप ठीक है ये प्रोक्लेम से बना होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है इट इज़ यूज विथ द वॉल एट ए सुटेबल प्लेस इन अ बिल्डिंग फॉर वॉशिंग हैंड एंड फेस ठीक है ये एक बेसिन होता है वॉश बेसिन होता है जिसमें हम क्या करते हैं
कि या तो यूटेंसिल्स धोते हैं, बर्तन धोते हैं, या हाथ धोने के लिए या फेस धोने के लिए जो वर्टिकल वॉल पे एक बेसिन टाइप का प्रोवाइड किया जाता है, एक बेसिन प्रोवाइड किया जाता है, उसी को वॉश बेसिन कहते हैं। ठीक है, फिर शावर, ठीक है, इट मे बी ऑफ स्टील और प्लास्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, ये या तो ये स्टील का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द बाथरूम फॉर बाथिंग। ठीक है, और अलग अलग शेप का होता है, और इसको कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बाथरूम में नहाने के लिए, बाथिंग के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डायग्राम दिखाया गया है कि बिल्डिंग में किस तरीके से वाटर का कनेक्शन देते हैं, उसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, इस फिगर में एक बेसिक डायग्राम दिया गया है जिसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं। अब इस स्टडी करने से पहले जो सिंबल दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है। टी जहाँ लिखा गया है वहाँ टी कनेक्शन होगा, यू जहाँ लिखा गया है यहाँ वहाँ यूनियन होगा, एल जहाँ जहाँ लिखा गया है वो एल्बो होगा, डब्ल्यू जहाँ जहाँ लिखा गया है वो वॉश बेसिन होगा, बी जहाँ जहाँ लिखा गया है वो बिपकॉक होगा, सिर्फ एस जहाँ लिखा गया होगा वो सावर होगा, एस वन जहाँ लिखा गया होगा वो स्टॉपकॉक होगा, और एस टू जहाँ लिखा होगा वो सॉकेट होगा। ठीक है, तो ये है ब्रांच पाइप। ठीक है, जो म्यूनसिपलिटी का जो ब्रांच पाइप है ये वो है, उससे फेरूल कनेक्ट किया गया है। फेरूल कनेक्ट करने के बाद एक स्टॉप कॉक दिया गया है जहाँ पे हम वाटर को रेगुलेट करते हैं, जब हमको अगर बिल्डिंग में कोई मरम्मत का काम करना हो या ऐसा कोई काम करना हो तो हम क्या करें, इस स्टॉप कॉक से वाटर को बंद कर सकते हैं या फ्लो को कंटिन्यूस फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एक मोटर हम लोग देते हैं जो म्यूनसिपल वाटर को ऊपर उठा करके रिजर्वायर में, ओवरहेड रिजर्वायर में प्लेस कर देता है। अब इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या होता है, सॉकेट का कनेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर तक पहुँचाने के लिए हमको एक पाइप से काम नहीं चलेगा, हमको कई सारे पाइप को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, क्यों हमको पता है, क्योंकि एक पाइप का लेंथ जो है वो मैक्सिमम 10 फीट का होता है और हमारी बिल्डिंग जो है वो 50 फीट, 60 फीट या 30 फीट की होती है। तो क्या होता है कि पाइप का कनेक्शन जो है वो हमको करना होता है ताकि वाटर जो है वो रिजर्वायर में जा सके। ठीक है, तो बीच बीच में हम लोग सॉकेट देते हैं वाटर को कनेक्ट, वाटर पाइप को कनेक्ट करने के लिए, वो एस टू से दिखाया गया है। फिर उसके बाद वाटर जब इसमें प्लेस हो जाता है तो फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गया होता है जो पूरे बिल्डिंग में वाटर को सप्लाई करता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि ये जो पाइप गया है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, और ये जो पाइप जा रहा है ये रिजर्वायर तक जा रहा है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ कहाँ गया हुआ है, जहाँ जहाँ टी लिखा गया है वहाँ टी लगा गया है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें वर्टिकल कनेक्शन दिया गया है। फिर उसके बाद एक यू दिया गया है जहाँ यूनियन कनेक्शन है। ठीक है, एक एल दिया गया है जहाँ एल्बो कनेक्शन है, ये एस वन जो है वो स्टॉप कॉक है यहाँ पे भी। ठीक है, हम क्या करें, इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, फिर एस जहाँ लिखा गया है वो सावर है, एस वन जहाँ लिखा गया है वो स्टॉप कॉक है। ठीक है, वाटर को रेगुलेट करने के लिए। फिर बी जहाँ लिखा गया है वो बिप कॉक है, फिर डब्ल्यू जहाँ लिखा गया है वो वॉश बेसिन है। इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो टी है कनेक्शन है, यूनियन कनेक्शन है, एल्बो कनेक्शन है, एस सावर कनेक्शन है, एस वन जो है वो स्टॉप कॉक है, बी बिप कॉक है, डब्ल्यू जो है वो वॉश बेसिन है, और एस वन जो है वो क्या है, स्टॉप कॉक है। तो इस तरीके से हम क्या होता है कि पूरे बिल्डिंग की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम वाटर का सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम था जिसके स्टडी से हम ये बता पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग में किस किस चीज़ की यूज़, किस चीज़ की यह यूज़ होता है वाटर का सप्लाई करने के लिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ड्रेनेज का पाइप जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बिल्डिंग में। ठीक है, अब अगली बार हम लोग प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज पढ़ेंगे। ठीक है, प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज अगली क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।